जिले में खाद की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी पुलिस के संरक्षण में खाद बांटी जाती है तो कभी टोकन के माध्यम से। आलम यह हो गया कि किसानों ने आज चक्का जाम कर दिया। बता दें कि खाद लेने के लिए किसान कल रात से मंडी प्रांगण में लाइन में लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी उन्हें खाद का वितरण सही से नहीं हो पा रहा। कुछ किसानों ने यह आरोप भी लगाया कि खाद का वितरण केवल उन लोगों को हो रहा है जो खाद की कीमत से पैसे ज्यादा दे रहे हैं। वहीं किसान आज इतने परेशान हो गए कि उन्होंने चक्का जाम कर दिया। आनन फानन में पुलिस बल ने जाम को खुलवाया। वहीं किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें खाद का वितरण आज से ही होगा, लेकिन किसानों की माने तो खाद का वितरण नहीं हो पाया। इसका कारण बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों की ड्यूटी मतगणना में लगा दी गई है, जिसके चलते खाद नहीं बांटा जा पा रहा। वहीं किसानों के शोर करने पर उन्हें पर्चियां थमा दी गई, लेकिन किसानों का यह भी आरोप है कि पर्चियां देने के बावजूद भी जिनके नंबर 6 और 7 तारीख को आना था उनको आज दिनांक तक खाद नहीं मिल पाया है। तो इन पर्चियों का क्या औचित्य है? अब देखने लायक होगा कि किस तरह से जिला प्रशासन मतगणना के दबाव के चलते इन किसानों की सुध ले पाएगा या नहीं। ऐसा नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कानून व्यवस्था भी काम रहे।